दोस्तों BGMI के अंदर 2.9 अपडेट आने के बाद जो बेस्ट सेंसिटिविटी सेटिंग है ना, वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप ये सेंसिटिविटी अपने फोन के अंदर सेट कर लेते हैं, चाहे आपके पास लो एंड डिवाइस हो या फिर कोई भी डिवाइस हो, उसके बाद भाई आपका जो स्प्रे है ना वो पूरी तरह से जीरो हो जाएगा, एकदम नो रिक्वायर्ड स्प्रे रहेगा। और सबसे अच्छी बात ये है ना भाई, आप गाड़ियों से बंदे उतार पाओगे। जैसे जोनाथन भाई स्प्रे करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही गाड़ियों से आप बंदे उतार सकते हो। 6x लगा लो, 4x लगा लो, 3x लगा लो, कोई भी स्कोप लगा लो दोस्तों, एकदम नो रिकॉइल वाला दोस्तों आप स्प्रे करेंगे। तो कौन सा ये सेंसिटिविटी सेटिंग है, अगर आप पूरा जानना चाहते हो तो यार इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो। तो आइए दोस्तों मैं आपको बेस्ट सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में बता देता हूं। तो सबसे पहले आपको सेटिंग के अंदर आ जाना है और सेंसिटिविटी को ओपन कर लेना है। यहां पर सबसे पहले हम इसे पूरा डिफॉल्ट कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं आपको एकदम नया दिखाने वाला हूं, वो चाहे जायरो हो या फिर नॉन जायरो कोई भी डिवाइस हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहां पर लेंस वाले में मैं आपको पहले लेंस वाले सेंसिटिविटी के बारे में बता देता हूं। तो यहां पर ये जो कैमरा सेंसिटिविटी है, इसे दोस्तों आपको क्या करना है, 80-85 तक ही रखना है, जैसा कि आप यहां पर देख लीजिए, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आपको इसे रखना है TPP नो स्कोप को। उसके बाद आता है FPP नो स्कोप। अब इसे दोस्तों आप कितना भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे FPP ज्यादा लोग खेलते नहीं है, है ना, तो इसे आप 300 कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहां पर नहीं है। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है रेड डॉट होलोग्राफिक और एम असिस्ट में, इसे दोस्तों आपको 60 तक सेट करना है, 60% से ऊपर नहीं जाना है। इससे दोस्तों आपका जो स्प्रे है वो काफी ज्यादा स्टेबल रहेगा, समझ लो। उसके बाद जो 2x स्कोप दिया हुआ है, इसे दोस्तों आप कर देंगे 40%, जैसा कि आप यहां पर देख लीजिए। जिसके बाद दोस्तों आता है 3x स्कोप, यहां पर आप देख सकते हैं। अब इसमें दोस्तों आपको करना क्या है, इसे दोस्तों आपको 40-50 तक ही रखना है, ठीक है, इससे ऊपर आपको नहीं जाना है। तो इसे हम जो है कर देते हैं 50%, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। इससे दोस्तों आपका जो मीन 6x को भी अगर आप 3x बनाएंगे तो काफी स्टेबल स्प्रे जाएगा, जीरो रिकॉइल के साथ, ठीक है। जिसके बाद आता है 4x स्कोप, तो इसे दोस्तों आपको 35% तक करना है, 30-35%, ठीक है। तो यहां पर आप देख लीजिए, ताकि दोस्तों आप गाड़ियों से आसानी से जो है बंदे उतार सके, तो इसी हिसाब से आपको इसे जो है सेट करना है। नीचे दोस्तों जो 6x स्कोप है, इसे दोस्तों आपको करना है 20%, ठीक है। तो यहां पर हम इसे जो है कम कर देते हैं 20%, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। इजिली दोस्तों आपका स्प्रे होगा, दूर दूर तक जो है आप आसानी से बंदे मार पाएंगे। उसके बाद ये जो 8x स्कोप है, इसे दोस्तों आपको कर देना है 12%, यानी कि 12%, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आप यहां पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले कैमरा सेंसिटिविटी का पूरा यहां पर देख लीजिए, ऐसी सेट करना है। नीचे आएंगे तो यहां पर ADS सेंसिटिविटी दिया है, तो सबसे पहले आपको ADS सेंसिटिविटी को इनेबल कर लेना है, ठीक है। ये डिसेबल रहेगा तो इसे इनेबल करेंगे। इनेबल करने के बाद यहां पर दोस्तों आप देखेंगे TPP नो स्कोप जो दिया हुआ है, इसे दोस्तों आपको सेट करना है, ठीक है। डिफॉल्ट नहीं रखना है, इसे आपको चेंज करना है, 90% इसे आपको सेट करना है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद आता है FPP नो स्कोप, तो इसे आप कितना भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसे आप फुल करके रख दीजिए 300%, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दोस्तों नीचे दिया हुआ है रेड डॉट होलोग्राफिक और एम असिस्ट वाला, तो इसमें दोस्तों आपको ध्यान से सेट करना है। ये आपका कितना भी रहे, आपको इसे 40-45% तक ही सेट करना है, जिससे दोस्तों रेड डॉट पे भी स्प्रे जो है स्टेबल रहेगा, जीरो रिकॉइल के साथ। उसके बाद आता है 2x स्कोप, ठीक है। तो 2x स्कोप का आप कितना कर देंगे, यहां पर दोस्तों आपको 30-35% करना है, तो इसे हम जो है 35% पर सेट कर देते हैं। जिसके बाद आता है दोस्तों 3x स्कोप, तो ये आपको कर लेना है 50-55% तक, ठीक है। तो यहां पर 50% है, तो इसे हम जो है 55 कर देते हैं, कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इससे दोस्तों 6x को आप 3x बनाएंगे तो काफ़ी मिस स्टेबल जो है स्प्रे जाएगा। 4x को दोस्तों आप यहां पर सेट कर देंगे 25% पर, क्योंकि दोस्तों 4x में काफ़ी ज़्यादा रिकॉइल होता है, तो इसीलिए आपको इसे 25 पर करना है, ताकि रिकॉइल ज़्यादा ना हो। उसके बाद आता है 6x स्कोप, तो इसमें दोस्तों आपको क्या करना है, 6x को आपको 20-25% तक ही सेट करना है, ठीक है। तो इसे हम जो है 25% पर रख देते हैं। अगर जैसे मैं यहाँ पर सेट कर रहा हूँ, सेम टू सेम भी आप सेट करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिसके बाद आता है 8x स्कोप, तो इसे दोस्तों आप कर देंगे 12%, इसे आप चेंज नहीं करेंगे तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है, 12% पर बस आपको इसे याद से रख देना है, ठीक है। जिसके बाद दोस्तों आप यहां पर नीचे आएंगे तो यहां पर दिया हुआ है कैमरा सेंसिटिविटी फ्री लुक, ठीक है। तो फ्री लुक में आप जो है ये TPP कैरेक्टर और व्हीकल का है, इसे दोस्तों आपको 120% कर देना है, ठीक है। 100-120% आप इसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये जो कैमरा है पैराशूटिंग का, तो इसे दोस्तों आपको क्या कर लेना है, 110% कर देना है, ठीक है।
जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम इसे सेट कर लेते हैं। उसके बाद जो लास्ट में दिया है FVP कैरेक्टर का, तो FVP अगर आप यूज़ करते हैं तो ऐसे में आप इसे क्या करेंगे 55% तक सेट कर देंगे, या फिर आप अपने हिसाब से भी इसे सेट कर सकते हैं। तो ये पूरा लेंस का जो है सेंसिटिविटी है आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब जो है हम क्या करते हैं, जायरो का ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों जायरो का आपको जो है सेंसिटिविटी सेटिंग करना है। तो जायरो के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले ये जो दिया हुआ है जायरोस्कोप सेंसिटिविटी, तो इसमें दोस्तों आपको क्या सेट करना है ध्यान से देख लीजिए। इसे आपको जो है 300% कर लेना है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 300% से आपको ज़्यादा नहीं रखना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसे जैसे आप 300% कर लेते हैं, FVP नो स्कोप आता है, इसे आप 400% कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। FVP बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, तो ऐसे में आप इसे 400% यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है रेड डॉट होलोग्राफिक एम असिस्ट, तो इसे दोस्तों आपको क्या करना है 250% पर सेट करना है, ठीक है। इससे ऊपर आप मत जाना, नहीं तो भाई वही फिर रिकॉइल वगैरह होने लग जाता है, संभलेगा नहीं, है ना। कोई भी डिवाइस हो, ऐसे में आप इसे 250% पर ही यूज़ करने वाले हैं, इससे काफी स्टेबल जो है स्प्रे होगा, ठीक है। उसके बाद आता है 2x स्कोप, तो इसे दोस्तों आपको पूरा फुल कर देना है 400%, इससे इजीली आप इसे संभाल पाएंगे और इजीली दोस्तों बिना रिक्वायर के स्प्रे कर पाएंगे, ठीक है। जिसके नीचे दोस्तों आपको देखने को मिल जाता है 3x स्कोप, तो इसे दोस्तों आपको क्या कर लेना है 320% पर सेट करना है, ठीक है, 320%, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। इससे स्प्रे काफ़ी इजीली होगा और बोल सकते हो ना हेडशॉट आप काफ़ी इजीली मार पाएंगे। और उसके बाद दोस्तों आता है 4x इसको VSS वाला, तो इसे दोस्तों आपको क्या करना है 140% पर सेट करना है, ठीक है। इससे ऊपर आपको इसे सेट नहीं करना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है 6x स्कोप, तो 6x स्कोप में अगर आप चाहते हैं जीरो रिक्वेल के साथ स्प्रे करना ना, तो इसे दोस्तों आपको कर लेना है 76% पर, ठीक है, 75 to 76, आप अपने हिसाब से देख लेना, लेकिन इसे इससे ज़्यादा ऊपर मत करना, ठीक है। उसके बाद आता है 8x स्कोप, तो इसे दोस्तों आपको क्या कर लेना है, ये 35% पर रहेगा या फिर ज़्यादा भी रहेगा, तो इसे आपको पूरा का पूरा 100% पर सेट करना है, ठीक है। तो चलिए हम इसे क्या कर देते हैं 100% पर सेट कर देते हैं, कुछ इस प्रकार से आप देख लीजिए, 110% नहीं करना है, 100% ओनली, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर पूरा ये जो है जायरो का सेंसिटिविटी हो गया, नीचे आएंगे तो अब यहाँ पर ADS जायरोस्कोप सेंसिटिविटी है, तो इसे सबसे पहले आपको इनेबल करना है। इनेबल करके आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो इसे भी दोस्तों आपको पूरा जो है सेट करना है, जिसमें जो पहला दिया है TPP नो स्कोप, इसे दोस्तों आपको पूरा 400% सेट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आता है FVP नो स्कोप, उसे भी दोस्तों आपको पूरा 400% सेट करके रखना है। उसके बाद दोस्तों आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर दिया है रेड डॉट होलोग्राफिक एम असिस्ट, तो इसे भी दोस्तों आपको क्या करना है 230 पर सेट करना है, 230% पर, ठीक है, ताकि इजीली जो है आप स्प्रे कर पाएँ। उसके बाद दोस्तों आता है 2x स्कोप, तो भाई इसे आपको क्या कर देना है 400% पर सेट करके रखना है, ठीक है, आप देख लीजिए। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर दिया है 3x स्कोप, तो 3x स्कोप का दोस्तों आपको क्या करना है, इसे भी आपको पूरा फुल कर देना है, यानी कि 400% पर इसे भी आपको सेट कर देना है, जिससे स्प्रे इजीली होगा। और 4x स्कोप दिया हुआ है, तो 4x स्कोप का दोस्तों आपको फुल नहीं करना है, बल्कि इसे दोस्तों आपको करना है 130% पर, ठीक है, तो इसे हम कर देते हैं 130%, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। उसके बाद लास्ट में यहां पर दिया है 6x स्कोप का, तो 6x स्कोप में दोस्तों आप क्या करेंगे, इसे 70 तक मतलब कि सेट करेंगे तो इजीली स्प्रे होगा। मैंने इसे जो है यूज़ किया 70 तक पे, तो इसे जो है 70% आपको कर देना है, ठीक है। 70% करने के बाद अब दोस्तों इसे काफ़ी इजीली आप स्प्रे कर पाएंगे। अब लास्ट में जो दिया है 8x स्कोप, तो 8x स्कोप का दोस्तों आप 100% ही रखना, उसे आपको चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा दोस्तों यहाँ पर सेंसिटिविटी सेटिंग है जायरो एंड नॉन जायरो के लिए। अगर आप इसे सेट कर लेते हैं तो भाई बिना रिक्वेल के आप इजीली स्प्रे कर पाएंगे, गाड़ियों से बंदे उतार पाएंगे एकदम नो रिक्वेल के साथ। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर देना।